गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों हम लोग ने कल देखा कि हमें सूर्य नमस्कार के 3 स्टेप्स किस तरह से करने हैं। आज बच्चों हम लोग आगे के 3 स्टेप्स सीखने वाले हैं, तो चले देखते हैं कि वो 3 स्टेप आज के कौन कौन से हैं। सो चिल्ड्रन, जो आज हमारा पहला स्टेप होगा वो हमारा वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से कल हमने स्टेप को ख़त्म किया था। बच्चों कल हमने जो है स्टेप यहाँ से ख़त्म किया था कि हमें इस तरह से स्टेप रखना है, ओम सूर्याय नमः। तो हम यहीं पर कल अपने स्टेप ख़त्म किए थे। अब आज के स्टेप के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने राइट लेग को पीछे लेके जाना है। पहला स्टेप हमारा ये है, हमें राइट लेग को पीछे इस तरह से लेके जाना है और अपने बोथ हैंड को अपने लेग के बीच में इस तरह से रख लेना है और हमको अपने हेड को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। इसे हम ओम भानवे नमः कहते हैं बच्चों। इसे हम 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। 5 सेकेंड होल्ड करने के बाद हम स्टेप चेंज करेंगे, हमारा ओम भानवे नमः था। अभी हमें क्या करना है, इसी तरह से अपने दोनों लेग को पीछे लेके जाना है और अपने हाथ को इस तरह से रखना है। आप देखिए इस तरह से करना है हमें, उसी स्टेप में हमें इस तरह से पीछे की ओर जाना है, पीछे जाना है। यह हमारा ओम खगाय नमः है। और बच्चे अगर ये करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप अपनी नी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, नी फोल्ड करके कर लेंगे आप। अगर कर पा रहे हैं तो आप स्ट्रेट रखेंगे नी। ये हमारा 5th स्टेप है बच्चों। उसके बाद हमें चेंज करना है, हम नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे। उसके लिए हमें अपने लेग को इस तरह से नी को डाउन करनी है। नी डाउन करने के बाद, नी डाउन करेंगे उसके बाद हम अपने चेस्ट को ग्राउंड पे टच कराएंगे। उसके बाद हम अपने चिन को ग्राउंड पे टच करा देंगे। ये हमारा 6th स्टेज हो जाएगा बच्चों। ये होता है ओम पूछने नमः। इसको हम 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, देन हम इस तरह से ग्राउंड पे आ जाएंगे। तो बच्चों ये 3 स्टेप आज के हमारे सूर्य नमस्कार के स्टेप थे। आज आप इन 3 स्टेप्स को करिए बच्चों। आज आप जब करोगे इस एक्सरसाइज को तो पहले आप वार्म अप करोगे, देन जो आपने कल 3 एक्सरसाइज सीखी थी वो करेंगे, देन आज जो आप सीख रहे हैं वो करेंगे। तो पूरा आप पूरे 6 स्टेप आज आप करेंगे। तो चलिए आप इन एक्सरसाइज को डेली प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों घर पे, और फिट रहिए।